Hello and welcome everyone to the second lecture of Functions. This is JEE Live Daily, where we bring you quality education for free. I am Samir Chincholikar and I will be your mathematics mentor on this channel. I have done my BTech and MTech from IIT Roorkee and I have been teaching for JEE for more than 10 years now. Right? And in this time, I have taught more than 20,000 students in online as well as offline setting, and something that I am really proud of. I have recently started training and mentoring aspiring JEE teachers. So let us begin with our second lecture of functions. If someone is just joining us, then do press the subscribe button and press the bell icon so that you don't miss any updates about the upcoming classes. And let us also discuss the class schedule. So this is the second class for the 12th standard students, ठीक है? आज Saturday है, ये आपकी functions की second lecture है, ठीक है? First lecture में हमने detail में domain और functions का basic समझा है, ठीक है? तो अगर कोई ये video पहली बार देख रहा है और उसको अगर domain समझने में दिक्कत है, तो उसने पीछे जाकर हमारा lecture 1 जरूर देखना चाहिए, ठीक है? और ये जरूर याद रखो कि time table हमने किस तरह से बनाया हुआ है, बड़ा ही आसान है याद रखना. 12th के जो बच्चे हैं उनकी क्लासेस फ्राइडे सैटरडे संडे को होने वाली हैं और 11th के बच्चों की क्लासेस मंडे ट्यूसडे वेंसडे होने वाली हैं, ठीक है? तो याद रखना काफी आसान है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हो तो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन रेगुलरली आते रहेंगे कि आपकी क्लास कब शेड्यूल्ड है, ठीक है? तो लेट अस बिगिन विद आवर टॉपिक फंक्शंस एंड टुडे वी विल फोकस ऑन रेंज, ठीक है? The second most important concept is range. इस पर भी frequently JEE questions पूछता रहता है और हमें यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि range निकालना थोड़ा सा tedious होता है, थोड़ा सा as compared to domain. Domain हमने last class में किया था, एक standard approach था, कोई भी हमने function लिया है ना, अंडर रूट फंक्शन जैसे हमने लिया या फिर लॉग फंक्शन लिया, उनको कहाँ कहाँ दिक्कत आती है बस वो याद रख लिया, ठीक है? तो उसकी मदद से हमें डोमेन में इनइक्वालिटीज बनाना काफी आसान होता है और हमारे क्वेश्चन का आंसर हमेशा ही आ जाता है, ठीक है? रेंज में लेकिन अलग अलग मेथड्स हैं जो काफी सारी बुक्स में अच्छे से लिखी हुई या फिर पॉइंट वाइज रिप्रेजेंट की हुई नहीं होती है, ठीक है? इसलिए मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि काफी सारे बच्चों को रेंज निकालने में स्पेसिफिकली काफी दिक्कत आती है, ठीक है? डोमेन तो तब भी काफी सारे बच्चे कर लेते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि अलग अलग तरीके जो हो सकते हैं आप यूज कर सकते हो रेंज निकालने के लिए, वो सारे डिस्कस हो जाए, ठीक है? ताकि आपको आगे फिर इस तरह की दिक्कत ना आए, ठीक है? अच्छा, तो लास्ट क्लास में एक्चुअली हमने एंड किया था विद ए होमवर्क क्वेश्चन. लेक्चर वन का होमवर्क क्वेश्चन ये था, तो आई होप कि आप सब लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है? लेट अस सी इसका सॉल्यूशन क्या है, देन वी विल मूव ऑन टू अवर रेगुलर टॉपिक रेंज, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही थी, इस क्वेश्चन में भी अंडर रूट है, इस क्वेश्चन में भी लॉग है, लेकिन यहां पे लॉग के अंदर लॉग है, ठीक है? तो किसी को आया हो अगर ये क्वेश्चन करते तो बहुत ही अच्छी बात है. हम देखते हैं कि ए बी सी डी में से इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है? तो इससे पहले कि हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करें, एक छोटा सा आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट में बता देता हूं, ठीक है? लॉग के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जनरेट जो होने वाली है इनइक्वालिटी वो होगी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, ठीक है? तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आपको अगर बस ये दो कंसेप्ट पता है ना, तो काफी सफिशिएंट है कि लॉग के दो टाइप के ग्राफ होते हैं, ठीक है? एक होता है इंक्रीजिंग ग्राफ और एक होता है डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है? तो यहां बना लेते हैं उसको अलग से, ठीक है? इंक्रीजिंग ग्राफ कब बनता है लॉग का, जब मेरे पास अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है लॉग ऑफ एक्स बेस में ए, तो अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो मेरे पास इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है, ठीक है? अगर मेरे पास a का वैल्यू लेस देन वन है तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है, ठीक है? ग्राफ किसका बना रहे हैं, लॉग x टू द बेस a का ही बना रहे हैं, लेकिन अब a पे डिपेंडेंसी आ गई कि ग्राफ ऊपर जाते हुए बनेगा या फिर नीचे आते हुए बनेगा, ठीक है? इतनी बात आई समझ में? तो यहां पर आप क्या देखोगे कि अगर मैं आपको एक इनइक्वालिटी बना के दे रहा हूं एक डिक्रीजिंग फंक्शन की, एक डिक्रीजिंग फंक्शन की इनइक्वालिटी है, तो आप क्या समझोगे यहां पर कि अगर मैं इसके अंदर देखो जरा इसको ध्यान से, कि अगर मैं आपको एक x1 इनपुट दे रहा हूं और x2 इनपुट दे रहा हूं, यहां पर क्योंकि मैंने x2 बाद में प्लॉट किया, इसका मतलब x2 कैसा है, x2 बड़ा है, ठीक है? तो अब ग्राफ की मदद से इसके आउटपुट देख लो क्या हो रहा है, ठीक है? तो x1 का आउटपुट यहां कहीं मिलेगा आपको ग्राफ के ऊपर और x2 का आउटपुट यहां कहीं मिलेगा, ठीक है? तो क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो बड़े इनपुट पर आपको छोटा आउटपुट मिल रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है सीधा सीधा, कि अगर मैं आपको बोलूं कि
log, अगर मैं आपको बोलूं कि x2 is greater than x1, तो यहां से आप देख के बता सकते हो कि log of x2 to the base a and log of x1 to the base a, ठीक है, इसमें से बड़ा कौन होगा, छोटा कौन सा होगा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होते हुए दिखेगी आपको. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है. डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर आप फंक्शन लेते हो या हटाते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना होता है, ठीक है. और ये कहां से दिख रहा है आपको, फिगर से ऑलरेडी दिख रहा है, एक्स टू बड़ा है लेकिन उसका जो आउटपुट है वो छोटा है, एक्स टू बड़ा है लेकिन उसका जो आउटपुट है वो छोटा हो गया, ठीक है. तो बस ये कंसेप्ट हम यहां पर यूज करने वाले हैं, और देखो इसको यूज करके हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं. यहां पर स्टार्ट तो मेरे ख्याल से सबको करते आ ही जाएगा. क्या लिखेंगे हम यहां पे, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी लिखी हुई है तो अंडर रूट क्या बोलता है उसको, कि जो भी लिखा हुआ है वो कैसा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है. तो ये बहुत सारा कुछ तो लिखा हुआ है उसके अंदर, ये जीरो से बड़ा या इक्वल टू जीरो भी चलता है उसको, ठीक है. तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ऐसा ही इनइक्वालिटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. अब आ गया यहां पे क्या, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, ठीक है. तो अब इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे, ठीक है. तो अब इसी बात को आप ऐसा लिख सकते हो कि लॉग ऑफ 1 बाय थ्री लॉग ऑफ बेस में 1 बाय थ्री बेस में 1 बाय फोर एक्स, और इस तरफ आ जाएगा. चेंज कैसे करते हैं एक्सपोनेंशियल में, बेस का पावर जीरो, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनेगा यहां पे, ठीक है, हाफ की पावर जीरो. तो एक लॉग हम इसका मतलब यहां से हटाना चाह रहे हैं, ऐसा भी आप मान सकते हो इसको, ठीक है. समझो इसको ध्यान से, ये कैसा कर रहे हैं हम, ये बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे आप इस तरह से इसको ओपन करते हो. जो बेसिक डेफिनेशन है लॉग की, क्या है बेसिक डेफिनेशन लॉग की, कि अगर लॉग ऑफ एक्स बेस में ए, ये अगर एन होता है, अगर ये एन होता है तो फिर एक्स एक्चुअली क्या होता है, ए रेस टू एन होता है. इस तरह से हम कुछ तो यहां पे कर रहे हैं. तो इनइक्वालिटी में भी सिमिलर ही एक्सप्रेशन बन रहा है, जो यहां पर बेस है वो यहां दिख रहा है, जो इस साइड वाला नंबर है वो पावर में दिख रहा है, और हमारे पास अंदर वाली क्वांटिटी का इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन बन के आ रहा है, ठीक है. ऐसा कुछ तो हो रहा है यहां पे, ठीक है. अब लेकिन हमने ध्यान क्या रखना है, क्योंकि यहां पर बेस हाफ था ना, मतलब वन से कम था, मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है. तो इसका मतलब मैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो था उसको चेंज करूंगा, तो लेस देन और इक्वल टू जीरो हो जाएगा ये. आई वो समझ में, तो फिर ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है, ये अगर लेस देन और इक्वल टू हाफ की पावर जीरो है तो हमारी इनइक्वालिटी हम सही सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा बोलेंगे, ठीक है. समझते जाओ इसको, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखना इस सॉल्यूशन को, लेकिन ये सॉल्व ऐसे ही होने वाला है, ठीक है. हमने क्या लिखा, सबसे पहले अंडर रूट के अंदर क्या है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी बन गई है. तो मैंने ध्यान रखा हुआ है, ये याद किया हुआ है, कि अगर बेस हाफ मतलब वन से कम है तो अगले स्टेप में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ता है, ठीक है. अच्छा, अब फिर से हमारे पास क्या बना है एक्सप्रेशन, ये हाफ की पावर जीरो पता है सबको, हाफ की पावर जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है. तो राइट साइड में वन लिखा हुआ है, ऐसा इमेजिन करो. अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, फिर से यहां पर अंदर वाला जो क्वांटिटी है उसके लिए सॉल्व करना चाह रहा हूं, ठीक है, जैसे इसके पहले किया था. तो हमारे पास आएगा लॉग ऑफ एक्स बेस में वन बाय फोर, ठीक है. इसके बारे में आप क्या बोल सकते हो, क्या बोलेंगे इसमें, फिर से क्या होगा, वन बाय थ्री की पावर वन बनेगा आपकी बार, क्योंकि ये वन है ना, हाफ की पावर जीरो मतलब क्या है, वन है. तो वन बाय थ्री की पावर वन बनने वाला है, लेकिन क्योंकि वन बाय थ्री है, वन से छोटा है, इसका मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी फिर से चेंज होगा, ठीक है. तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करके हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, वन बाय थ्री की पावर में वन, ऐसा कुछ, ठीक है. लेकिन और एक बात हमने ध्यान रखनी चाहिए, सेकंड स्टेप पे फिर से आते हैं, ठीक है. ये क्या है, ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है ये कैसी होनी चाहिए, हाफ की पावर जीरो मतलब वन से कम होनी चाहिए. लेकिन वन से कम होते होते ये कितनी कम हो सकती है, इसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा कहां लिखा हुआ है, ये लॉग के अंदर लिखा हुआ था. क्योंकि वो लॉग के अंदर लिखा हुआ था तो वो वैसे भी जीरो से तो बड़ा ही होना चाहिए, तो वो हमने यहां पे क्लियरली एक्चुअली लिखना चाहिए कि वो जीरो से बड़ा हो. यहां तक आई बात समझ में, तो अगर वो जीरो से बड़ा है और अब मैं अगर वन बाय थ्री इस साइड सॉल्व कर रहा हूं तो मैंने इस साइड भी सॉल्व करना चाहिए, है ना. मतलब ये जो इनइक्वालिटी मैंने लिखी है फिर से अगर इस साइड से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो वन बाय थ्री की पावर जीरो जाएगा आपकी बार, वन बाय थ्री की पावर जीरो, इसका मतलब कितना हो गया, वन. साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेंगे तो ग्रेट लेस देन की जगह क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन, मतलब इस तरफ ऐसा कुछ लिखना चाह रहा हूं मैं. लेस देन वन बाय थ्री की पावर जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है. तो एक क्लियरली स्टेटमेंट अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसा कुछ लिख सकता हूं,
log x base में 1 by 4, greater than का sign है, 1 by 3 है, और इस side greater than का sign है और 1 है, ठीक है? ये अच्छा सा inequality आ गया हमारे पास. अब फिर से एक बार मुझे लगाना है, क्योंकि मैं x तक पहुंचना चाह रहा हूँ, right? तो अब मैं क्या करूँगा, x तक पहुंचने के लिए, x equal to, x और उस side कितना जाएगा, 1 by 4 की power 1 by 3, 1 by 4 की power 1 by 3 जाएगा. ठीक है, लेकिन यहां फिर से क्योंकि बेस 1 से कम है तो हम क्या करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे. ठीक है, तो फिर यहां अंदर बचेगा बस x, साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज, यहां आएगा 1 by 4 की पावर 1, मतलब 1 by 4, और यहां आएगा 1 by 4 की पावर 1 by 3. आपका x इस रेंज में होना चाहिए तो वो करेक्ट आंसर है. कौन सा आंसर दिख रहा है यहां पर, ठीक है, सी आंसर आते हुए दिख रहा है. ठीक है, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 1 by 4 से लेके 1 by 4 की पावर 1 by 3. तो ये लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन था. देखो इसके अंदर जो हमने डिस्कस किया है उसके लिए अगर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी आपको समझना है तो वैसे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर 12th क्लास के बच्चों को अगर दिक्कत आती है लॉग में तो मैं 11th क्लास की जो क्लासेस ले रहा हूँ उनको एक बार देखो, क्योंकि वहाँ पे मैं ये जो इनइक्वालिटीज़ वगैरह है ये आराम से और धीरे धीरे एक एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन से लेकर डिफिकल्ट क्वेश्चन तक ले जाऊँगा. ठीक है, अगर आपको आ रही है तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन डोमेन का क्वेश्चन है तो डोमेन का क्वेश्चन बहुत ही स्टार्ट करना आसान है हमारे लिए. ठीक है, डोमेन के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ होता है एक्सप्रेशन उसको देखना होता है कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है, वो नहीं आने देना है. ठीक है, तो हमने स्टार्ट वहीं से किया कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए और फिर उसको आगे प्रोसीड किया. तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी अगर सॉल्व करते किसी को आती है तो फिर इसके आगे फिर सॉल्व करना आसान था उसके लिए. ठीक है, यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करना कि आपको लेस देन वाला भी एक्सप्रेशन ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको इस तरफ 1 बाय 4 लाने में दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, तो वो नहीं करना है हमें. ठीक है, तो दोनों साइड से ध्यान रख के चलना है चीज़ों को, है ना, साथ में लेके चलना है. तो सी इसका आंसर है. अगर किसी का आया था तो आई वुड से कि ही इज़ डूइंग रियली गुड इन मैथमेटिक्स. आपको एटलीस्ट फंक्शन का काफ़ी अच्छा आइडिया है एंड आई होप कि आप आगे रेंज और आगे जो क्लासिफिकेशन और आगे जो टॉपिक्स हैं वो भी इतने ही अच्छे से सीख पाओगे. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक के साथ, विच इज रेंज. ठीक है, तो रेंज निकालने में जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है. ठीक है, जबकि बुक्स में एक दो मेथड देके ही खत्म कर देते हैं. ठीक है, विच इज वेरी रॉन्ग. आपको मल्टीपल मेथड्स अगर पता हैं, आपको कैसे कैसे सोचना चाहिए क्वेश्चन को देख के, अगर वो पता है तो शायद आपको रेंज का क्वेश्चन करने में आसानी होगी. ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, एक एक मेथड डिस्कस करेंगे और हर मेथड के लिए कुछ क्वेश्चंस समझेंगे, सॉल्व करके देखते हैं कि उनको अप्लाई कैसे करते हैं उन मेथड्स को. ठीक है, तो हमारा जो मेन आज का आइडिया रहेगा डिस्कशन का वो है कि मेथड्स टू फाइंड द रेंज ऑफ ए फंक्शन. ठीक है, क्या क्या अलग मेथड्स हो सकती हैं. तो सबसे पहली मेथड जो है वो सबसे बेसिक है, जो हर कोई आई थिंक जानता ही होगा, कि हम क्या करते हैं कि एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई चेंज करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो आपको दिया हुआ क्या होता है, आपको दिया हुआ होता है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स. जैसे आपको दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, ऐसे कुछ सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है. तो हम करना क्या चाह रहे होते हैं फिर यहाँ पे, कि नहीं इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करके इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखेंगे, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई, इस तरह से हम इसको चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, ऐसे कुछ. तो जैसे आपने वो किया तो आपको एक्सप्रेशन कुछ और दिखेगा, इसलिए यहां पर क्या लिखा है, राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिखा है, लेकिन एक्स इक्वल टू जी वाई लिखा है, क्योंकि एफ नहीं बोल सकते उसको अभी. ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन कुछ और गया, वहां पे स्क्वायर है जबकि यहां पे अंडर रूट है. ठीक है, फंक्शन चेंज हो गया तो उसका नाम जी वाई रख दिया. ठीक है, लेकिन अब जो भी यहां पर नया फंक्शन क्रिएट हुआ है, ठीक है, उसका अगर आप डोमेन फाइंड कर लेते हो, जो हमें ऑलरेडी फाइंड करते आता है ना, लास्ट लेक्चर में हमने पूरा डोमेन पढ़ लिया है, तो अगर आपको वो फाइंड करते आता है तो आप जो जी वाला एक्सप्रेशन है उसका डोमेन फाइंड कर लो. वो जो डोमेन होगा ना जी वाले एक्सप्रेशन का, वो एफ का रेंज होगा. ऐसा ये मेथड है. ठीक है, क्योंकि आपने एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, वाई के टर्म्स में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, और आप बोल रहे हो वाई क्या क्या होना चाहिए, वाई क्या क्या हो सकता है, तो वाई जो हो सकता है उसी को तो रेंज बोलते हैं. ठीक है, करके देखते हैं इसको तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, बट मेथड बहुत ही क्लियर है. आपको बस इंटरचेंज करके एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना होता है. ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स. ठीक है, तो ये बहुत ही क्लियर है, मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स. ठीक है, क्या बोला था हमने कि x इन टर्म्स ऑफ y लिखना, मतलब x इक्वल टू समथिंग लिखना है. ठीक है, तो यहां पर मैं स्क्वायरिंग करना चाह रहा हूं. ठीक है, अब ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं तो थोड़े से एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस जनरेट होते हैं, इसलिए ओरिजिनल एक्सप्रेशन को पहले ही अच्छे से एनालाइज कर लो.
ठीक है। अच्छा तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन में y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समथिंग है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और बात जो हमने डिस्कस करना चाहिए, काफी सारे बच्चों को इसमें मैंने देखा है कंफ्यूजन होता है, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि अंडर रूट ऑफ 4 कितना होता है। अंडर रूट ऑफ 4 जो है, अगर आप में से किसी ने प्लस माइनस 2 बोला है ना, तो बहुत ही गलत है वो, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 4 जो है वो 2 होता है, ठीक है। और इसी वजह से अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो पहले तो उस कंफ्यूजन को दूर कर लो कि अंडर रूट ऑफ 4 जो है वो बस 2 होता है, प्लस माइनस 2 नहीं होता, ठीक है। अच्छा और अगर इसी तरह से मैंने अगर आपसे पूछा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, तो अगर आप यहां पर इसका आंसर एक्स बताओगे तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसका आंसर एक्चुअली मॉड एक्स आता है, ठीक। तो ये दो चीजें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अंडर रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। आई बात समझ में? अंडर रूट ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ऑब्वियसली दैट थिंग हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर इन इटसेल्फ, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसके अंदर, तो यहाँ पे मॉड एक्स लिखना बहुत जरूरी है ना। और थोड़ा सा डिस्कस करके देखते हैं इसको कि अगर मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ, इसी को लिखने की कोशिश करूँ अगर मैं कि 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो आपको क्या दिखेगा? 2 आते हुए दिखेगा, है ना। मतलब आपने अपने मेथड से भी कर लिया तो भी 2 आते हुए दिखेगा। लेकिन मैं इसी को माइनस 2 के स्क्वायर का अंडर रूट भी लिख सकता था ना, माइनस 2 के स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस केस में तो आप क्या बोलना चाह रहे हो कि एक्स स्क्वायर का अंडर रूट अगर एक्स होता है, अगर आप ये बोलना चाह रहे हो, तो इस केस में आपका आंसर माइनस 2 आना चाहिए, विच इज एक्चुअली रॉन्ग, ठीक है। इसका आंसर भी प्लस 2 ही है, क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर होकर 4 बन गया और 4 का अंडर रूट का आंसर 2 होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो कितना होता है, मॉड एक्स होता है, ठीक है। इसका मतलब अंडर रूट ऑफ एनीथिंग का आंसर हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो अंडर रूट ऑफ समथिंग क्या है, वाई की वैल्यू है ना। इसका मतलब वाई हमेशा कैसे होने वाला है, ग्रेटर देन 0 होने वाला है, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर पॉसिबल है तो, अगर पॉसिबल है तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा तो ये पहले हमने रिस्ट्रिक्शन अलग से लिख लिया है, अब हम क्वेश्चन को एक्चुअली सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जरा इसको, थोड़ी जगह बना लेते हैं। क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस x अपॉन x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस x। देखते जाओ सॉल्यूशन को, अब क्या चाहिए मुझे, x इक्वल टू चाहिए, मतलब सारी x वाली चीज़ें एक तरफ ले लो, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 2, और यहाँ से अगर मैं x कॉमन निकालूंगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बचेगा अंदर, तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। आई इतनी बात समझ में, ठीक है। तो अब ये x इक्वल टू समथिंग बन गया ना, x इक्वल टू समथिंग किसके टर्म्स में बना है, y के टर्म्स में बना है, तो ये मेरा जी वाई है, ये जो बना है इसको मैं पहले क्या बोल रहा था, जी वाई बोल रहा था। तो ये जो जी फंक्शन बना है इसका डोमेन बताना है, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो भी वेरिएबल दिख रहा है उसमें वेरिएबल में मैं क्या क्या वैल्यूज डाल सकता हूँ, वो उस एक्सप्रेशन का डोमेन हो गया। तो मैं यहाँ पे वाई क्या क्या डाल सकता हूँ, वेरिएबल यहाँ पे वाई है मेरा, तो यहाँ पर मैं वाई क्या क्या डाल सकता हूँ, अगर मैं ऐसा आपसे पूछ रहा हूँ तो बताओ ज़रा, कहीं पर भी दिक्कत आएगी क्या? कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में। आप वाई कुछ भी डालो, स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ तो आंसर आ रहा है ना। तो कोई भी वैल्यू डालने में दिक्कत नहीं आ रही, मतलब ये एक्सप्रेशन बेसिकली बता रहा है कि वाई तो कोई सा भी रियल नंबर ले लो मुझे चलेगा, ठीक है। तो सॉल्व करके ये आ रहा है कि वाई कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेकिन हमने इनिशियली क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना जरूरी है। आई बात समझ में? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना जरूरी है। इसका मतलब इन दोनों चीजों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो मेरे पास क्या आंसर आने वाला है, बताओ। रियल, ये बोल रहा है सारे रियल नंबर चलेंगे, ये बोल रहा है नहीं केवल इतने चलेंगे, तो इसकी बात माननी पड़ेगी ना, क्योंकि ये बात तो ये भी मान रहा है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में दोनों की बात माननी होती है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, वाई बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी, ऐसा कुछ आंसर आएगा। दिख रहा है ये आंसर कहीं आपको, सी ऑप्शन में दिख रहा है, 0 से लेके इन्फिनिटी। आई बात समझ में? तो ऑल दो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व हमने किस तरीके से किया है, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई में चेंज करके किया है, लेकिन अगर बस आप इतना ही करते तो शायद आपका आंसर ए आ रहा होता जो गलत होता, इसलिए ये इनिशियल कंडीशन चेक करना भी यहाँ पर थोड़ी सी जरूरी है। लेकिन बेसिक मेथड ये होता है, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिखो, जो नया एक्सप्रेशन बना है उसका डोमेन फाइंड करो, जो उसका डोमेन है वही आपका पुराने वाले फंक्शन के रेंज का आंसर है। आई बात समझ में, है ना। तो ये तो बहुत ही सिंपल मेथड है, और आगे चलते हैं मेथड 2 देखो, ठीक है। सेकंड मेथड जो यूज करके आप रेंज आसानी से निकाल सकते हो वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं रेंज के, उनको यूज करना,
ठीक है. तो आपके पास अगर एक फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन के ग्राफ आपको याद है ऑलरेडी, या तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनता है फॉर ग्रेटर देन जीरो के लिए, ए ग्रेटर देन जीरो के लिए, या फिर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनता है. ठीक है, इनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स याद है कि नहीं? नहीं याद है तो याद कर लो, और अगर और ज़्यादा याद करने में भी दिक्कत है तो दूसरी मेथड बता देंगे, ठीक है, उसको भी सीख लेना. ठीक है, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स अगर याद कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से क्वाड्रेटिक वाले कंसेप्ट के करते आ जाएंगे. तो इसको याद रख लो, इसका वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए. फिर वो चाहे इस तरह से फिगर हो चाहे इस तरह से फिगर हो, दोनों का ही कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए कैलकुलेट करने से आता है. ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये एक्सप्रेशन का रेंज बताओ, इस एक्सप्रेशन का y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रेंज बताओ, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि y पे वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है. तो y वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है इस केस में, ये वर्टेक्स वाले y कोऑर्डिनेट से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है. ठीक है, और इस केस में कहां से कहां तक जा रही है, माइनस इन्फिनिटी से लेके y कोऑर्डिनेट तक जा रही है. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन आपका a का वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, आप इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो. ठीक है, और अगर ये आपको डायरेक्टली नहीं यूज़ करना है तो एक दूसरा मेथड भी सीखेंगे. वो सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो अलग दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में भी कभी कभी यूज़ हो जाता है, बट दिस इज़ द ईजीएस्ट वन कि आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स याद कर लो. तो वाई कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई फोर है, ये बस याद रखना है आपको. ठीक है, माइनस डी बाई फोर से लेके इन्फिनिटी, या फिर माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस डी बाई फोर है, दो ही टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल है. ठीक है, तो देखो ज़रा इस केस में क्या बनेगा. ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का. ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री. ठीक है, तो क्या देखा है हमने यहाँ पर, क्योंकि आपका जो एक्सप्रेशन है टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री, उसका a कैसा है, उसका a ग्रेटर देन जीरो है. ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा वाला सिनेरियो बनेगा, माइनस डी बाई फोर है से लेके इन्फिनिटी वाला सिनेरियो बनेगा. तो हाँ, ऐसे ऑप्शंस भी हैं हमारे पास. ठीक है, अप टू इन्फिनिटी जाने वाले ऑप्शंस हैं. ठीक है, आर प्लस भी इन्फिनिटी तक जाने वाले ऑप्शन है, उसको अगर अच्छे से लिखोगे तो वो क्या है, जीरो से लेके इन्फिनिटी ऐसा लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन बेसिकली वैलिड हो सकते हैं. आई बात समझ में? अच्छा, तो अब बस क्या फाइंड करना है आपको, माइनस डी बाई फोर ए फाइंड करना है. तो माइनस डी बाई फोर ए कितना है इसका, लेट अस सी. तो माइनस साइन तो लगा ही देते हैं. डी कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. बी स्क्वायर करके देखो कितना आएगा, ट्वेंटी फाइव. माइनस फोर ए सी करके देखो कितना आएगा, ट्वेंटी फोर आ रहा है. माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, ए इंटू सी कितना है, सिक्स है, ट्वेंटी फोर हो जाएगा. माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए, फोर ए मतलब कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा नीचे. ठीक है, तो कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आते हुए दिख रहा है, माइनस वन बाय एट. ये आपके वर्टेक्स का लोअर मोस्ट पॉइंट है, तो वाई की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी फिर आपकी, माइनस वन बाय एट से लेके इन्फिनिटी तक. इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर है. ठीक है बच्चों, इतनी बात तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गई होगी. लेकिन इस क्वेश्चन का एक और सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो मेथड में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ये हम आगे और भी क्वेश्चंस में करेंगे. ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो. हम यहाँ पर क्या कोशिश करते हैं कि हम परफेक्ट स्क्वायर्स बना पाएं. ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के बारे में हमें एक चीज बहुत अच्छी पता है कि स्क्वायर करने पर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी बनती है. ठीक है, तो वो हम बेनिफिट यूज करते हैं. तो देखो यहाँ पे क्या है दिया हुआ कि टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री जो है, ये हमारा एक्सप्रेशन है. ठीक है, वाई इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है. तो अब अगर मैं इसी को आगे परफेक्ट स्क्वायर वाले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों टर्म्स पे कंसंट्रेट करता हूं और इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का वन बनाना है, तो टू कॉमन निकाल लेते हैं. तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाय टू, और थ्री तो अलग से लिखा हुआ है, अभी थ्री की टेंशन नहीं ले रहा हूं मैं, उसको रहने दो अभी बाद में. ठीक है, बाद में देखेंगे. यहां पर और क्या हो रहा है, अगर मुझे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाय टू एक्स का परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करना है, तो आई गेस आपको ये पता होगा कि ये जो भी नंबर होता है इसका आधा आपको सोचना है. ठीक है, तो इसका आधा कितना हो गया, 5 बाय 4 हो गया. ठीक है, तो डेफिनेटली x माइनस 5 बाय 4 का होल स्क्वायर में ये दोनों एक्सप्रेशन मिलेंगे आपको. ठीक है, चाहो तो इस एक्सप्रेशन को ओपन करके देख लो, x माइनस 5 बाय 4 का स्क्वायर ओपन करके देख लो, आपके पास ये दोनों टर्म्स तो आ ही जाएंगे. ठीक है, तो ए स्क्वायर तो आने ही वाला है. माइनस टू ए बी करके देखो, माइनस टू इंटू ए इंटू बी, तो टू से ये कैंसिल होकर टू बनेगा, तो ये एक्जैक्टली एक्सप्रेशन बनते हुए दिख रहा है हमें. ठीक है, लेकिन स्क्वायर ओपन करते हैं तो तीन टर्म्स आती हैं, मतलब एक और एक्स्ट्रा टर्म कौन सी जनरेट होने वाली है इसके अंदर, 25 बाय 16 जनरेट होने वाली है. ठीक है, तो 25 बाय 16 एक्स्ट्रा होने वाली है ना, वो तो नहीं है यहाँ पे, तो हम अलग से यहाँ पे माइनस 25 बाय 16 लिख लेते हैं. तो अब ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है और ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है, ये एक्जैक्टली सेम चीज़ है,
लिखने का तरीका चेंज हुआ है बस, ठीक है। तो अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करके इसको ओपन करके देखो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 5 बाय 4 का स्क्वायर माइनस 25 बाय 8 बनेगा, ठीक है। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 16 के साथ, तो फिर 8 बचाएगा नीचे, और प्लस 3 तो है अलग से किया हुआ, तो आपके पास क्या आया, 2 इंटू एक्स माइनस 5 बाय 4 का स्क्वायर माइनस, ये जरा सॉल्व करो कितना हो जाएगा, ये 8 ऊपर जाएगा एलसीएम में, 24 बनाएगा, 24 और 25 कैंसिल आउट होके माइनस 1 बचेगा, राइट, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन है, तो माइनस 1 बाय 8, ये हमारा लास्ट एक्सप्रेशन है। इसके अंदर क्या किया हमने, एक जो x वाला पोर्शन था उसको हमने परफेक्ट स्क्वायर के अंदर डाल दिया है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा यह होता है कि हम ये बोल सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर वाली जो भी क्वांटिटी है वो तो हमेशा जीरो से बड़ी ही होने वाली है, या लीस्ट टू लीस्ट जीरो हो सकती है, ठीक है। तो अगर ये क्वांटिटी जीरो भी हो जाती है तब भी हमारा एक्सप्रेशन कितना बचेगा, माइनस 1 बाय 8, ठीक है। इसका मतलब इससे तो कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन एवरी अदर सिनेरियो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव क्वांटिटी उसके अंदर ऐड होने वाली है, ठीक है। तो अगर लीस्ट इमेजिन करने की कोशिश करूं तो कितना आ रहा है वो, माइनस 1 बाय 8, ठीक है। और अगर मैक्स टू मैक्स इमेजिन करना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसको कितना ही बड़ा कर सकता हूं मैं, स्क्वायर क्वांटिटी है ना, तो फिर तो इन्फिनिटी तक जा सकता है। आई मेथड समझ में, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक पोर्शन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आंसर तो सेम ही आएगा ऑब्वियसली, माइनस 1 बाय 8 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, जो हमारा माइनस डी बाय 4 यूज करके डायरेक्टली भी आ गया था, ठीक है। तो वो कन्वीनियंट है मेथड, डेफिनेटली यूज उसको ही करो, लेकिन ये भी समझना जरूरी था, इसलिए हमने यहाँ पे अभी इसको डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये सेकंड अप्रोच है। पहला अप्रोच क्या था, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिख लो और जो एक्सप्रेशन आया उसका डोमेन फाइंड करो, वही ओरिजिनल एक्सप्रेशन का रेंज है, ठीक है। इसके अंदर हम ऑलरेडी जो फॉर्मूला है उसका यूज करके आंसर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखो, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसके अंदर आपको फिर से यूज तो क्वाड्रेटिक ही करना है, लेकिन जो कंसेप्ट है थोड़ा सा अलग तरीके से यूज होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विच इज ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, साथ में दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। ये जो इनपुट है ये अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं था, इस क्वेश्चन में है, इसका मतलब इसका कुछ तो इंपॉर्टेंस होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा सोचते हैं कि चलो ठीक है, मुझे तो इसका रेंज फाइंड करना है ना, मतलब मुझे वाई कहां से कहां तक लाया करना चाहिए वो निकालना है, तो मुझे एक्चुअली रेंज फाइंड करना है, तो मैंने हर बार क्या सोचना चाहिए, मुझे ये आंसर फाइनली बताना है, वाई बिलोंग्स टू वॉट, ये क्वेश्चन है, वाई बिलोंग्स टू क्या, एक कुछ तो इंटरवल आना चाहिए, ठीक है। वो आ गया तो मतलब हमारा रेंज का आंसर आ गया, ठीक है। तो फिर मैं y तो लिख लेता हूं, y इक्वल टू एफ एक्स होता है, ठीक है। तो फिर मैं लिखूंगा क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो जब भी आपको ऐसा क्वाड्रेटिक वाला रैशनल एक्सप्रेशन मिलेगा, द आइडिया इज टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड स्टार्ट इन्वॉल्विंग y इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही लो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर आके y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू एक्स प्लस वाई, और राइट साइड में क्या बचा हुआ रहेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, है ना, ये क्या है, क्वाड्रेटिक का यूज करके सॉल्व करने वाले मेथड्स हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मैं इस एक्स स्क्वायर को इस साइड लाऊंगा, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ क्या बचेगा, यहां पे y है वहां पे 1 है, तो y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बचेगा, उसके बाद ये x इस साइड आएगा तो फिर से क्या बचेगा, y माइनस 1 इंटू एक्स बचेगा, और ये 2 इस साइड आएगा तो y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा कुछ तो अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक आ रहा है, ठीक है। यहां तक अगर आपको समझ में आया है तो अभी तो हमने केवल कैलकुलेशन ही किया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप ध्यान से सुनो, ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमें पता नहीं है कि y क्या है, y क्या है वही तो निकालना है हमें, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमें पता नहीं है y क्या है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ न कुछ तो आंसर निकल के आने वाले हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर कैसे हो सकते हैं, या तो रियल हो सकते हैं या फिर इमेजिनरी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू रियल, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x belongs to real। ये ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि वो क्वेश्चन बनाने वाला तो अपने हिसाब से सोच रहा था कि आपको अगर y की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, वो वैसे सोच रहा था, ठीक है। क्वेश्चन बनाने वाला उसको हम यूज अलग तरीके से कर रहे हैं, क्वेश्चन बनाने वाला ये सोच रहा था कि आपको y की वैल्यू निकालनी है तो आप ये एक्सप्रेशन उठाओगे, इसके अंदर 1 डालोगे, 2 डालोगे, 1.1 डालोगे, 1.5 डालोगे, रूट 2 डालोगे, बहुत सारे रियल नंबर्स डालोगे और पता करोगे y क्या क्या आ रहा है और फिर मुझे आंसर बताओगे। लेकिन ऐसे हम सॉल्व तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो जो डेटा है उसको यूज करके
हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि इसके आंसर जो एक्स के आएंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, रियल होना चाहिए. जैसे आपको ये लगा कि क्वाड्रेटिक का आंसर रियल होना चाहिए, वैसे आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक्चुअली यही है स्टेप. ठीक है, जो आपको ध्यान रखनी है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आपको एक्स में क्वाड्रेटिक बनाना है और एक्स के क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो करना है. ठीक है, ये मेन आइडिया हमारा. तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखने जाएंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. ठीक है, अच्छा यहाँ पर बाद में देखते हैं चलो उसको थोड़ा सा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में मैं क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ ना, तो फिर क्या वाई माइनस वन को मैं जीरो कर सकता हूँ क्या, इस पर हम वापस आएंगे. ठीक है, पहले हम जो फ्लो चल रहा है उसमें चलते हैं. डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए मुझे. ठीक है, तो इसका डी हो गया बी स्क्वायर. देखते जाओ, एक्स माइनस वन का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए और सी, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए. देखो जरा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. ठीक है, यहाँ से वाई माइनस वन कॉमन आते हुए दिख रहा है सबको, वाई माइनस वन अगर कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा, एक वाई माइनस वन बचेगा, उसके बाद ये फोर उसमें मल्टीप्लाई करते जाओ तो माइनस फोर वाई एंड प्लस एट बचेगा. ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. आई बात समझ में? तो अब क्या हो रहा है, अंदर कुछ तो कैंसिलेशन होने वाला है, दिख रहा है क्या, y माइनस वन है यहाँ पर, ये दोनों मिलके कितने बनाएंगे माइनस थ्री वाई, ये दोनों मिलके बनाएंगे सेवन. तो सेवन माइनस थ्री वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए. ये हम कहाँ पहुँच गए, ये हम एक पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी पे पहुँच गए हैं. ठीक है, और पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, वेवी कर मेथड. ठीक है, वेवी कर मेथड. अगर वेवी कर मेथड में दिक्कत है तो 11th क्लास को मैं वेवी कर मेथड पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है, वाली क्लास अटेंड करो और उसको ध्यान से समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज हो जाती है. ठीक है, अच्छा वेवी कर मेथड क्या बोलता है हमें, कि जब भी आपका वेरिएबल का कोएफिशिएंट निगेटिव है तो माइनस अपनी साइड से मल्टीप्लाई करो और उसको पॉजिटिव बना लो, वो स्टैंडर्ड अप्रोच है. ठीक है, तो हम भी बना लेते हैं इसको पॉजिटिव, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी मुझे चेंज करना होगा. ठीक है, तो क्या होने वाला है, ये वाई माइनस वन इंटू 3y माइनस सेवन लेस देन और इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जैसे हमने करेक्ट फैक्टराइजेशन कर लिया, नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्चुअली ड्रॉ द नंबर लाइन एंड गेट अवर आंसर. ठीक है, तो यहां पर मैं अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा तो मैं y के लिए सॉल्व कर रहा हूं, ये ध्यान देना. ठीक है, x है नहीं यहां पे, सब कुछ y के टर्म्स में, तो y का ही आंसर निकल के आने वाला है. ठीक है, तो y का एक क्रिटिकल पॉइंट पहले से कितना आ रहा है, वन, और दूसरे से कितना आ रहा है, सेवन बाय थ्री, वन एंड सेवन बाय थ्री. तो अब मैं इसके ऊपर साइन लगाना स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस, ऐसा कुछ आने वाला है, प्लस माइनस प्लस. ठीक है, तो अब ये बताओ कि क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है तो ये दोनों भी वैल्यूज मुझे इंक्लूड करने पड़ेंगे आंसर में, तो मेरा आंसर आएगा वन से लेकर सेवन बाय थ्री. निगेटिव चाहिए ना, लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या होता है, निगेटिव होता है, तो वन से लेकर सेवन बाय थ्री, ये मेरा आंसर आया. ठीक है, अब क्योंकि 1 आया है पिक्चर में और हम यहां पे इस आंसर से लेना चाह रहे हैं, लेकिन 1 पे देखो क्या होने वाला है, 1 पे ये हो जाएगा 0, 1 पे ये हो जाएगा 0. ठीक है, 1 पे ये भी क्या हो जाएगा, 0, और 1 डालने पे ये कितना होने वाला है, ये 0 नहीं हो रहा है, ये 0 हो रहा होता तो बहुत अच्छा हो जाता. ठीक है, 1 डालने पे ये कितना होने वाला है, माइनस 1. ठीक है, तो अगर मैं ये देख रहा हूं कि मेरा आंसर 1 से लेकर 7 बाय 3 के बीच होना चाहिए फॉर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो मैं चेक कर रहा हूं कि क्या वन एक्चुअली हो सकता है कि नहीं. तो वन पे क्यों मेरा ध्यान गया, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था, इसलिए उसको चेक करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था. ठीक है, तो वन जैसे मैंने डाल के देखा तो एक्चुअली एक बहुत ही गलत इनइक्वालिटी बन रही, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स ये गलत ही है. ठीक है, ये तो पोर्शन पूरा हटी जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू वन के लिए ये पोर्शन पूरा हटी जाएगा, ये बचेगा, ये पोर्शन जो बचा है वो कितना हो रहा है, माइनस वन. अब माइनस वन इक्वल टू जीरो तो बिल्कुल ही गलत है ना, मतलब यहाँ पे वाई इक्वल टू वन तो चलने ही नहीं वाला. ठीक है, तो हमारे आंसर में से हमें क्या हटाना होगा, वन हटाना होगा, बाकी सब कुछ सही है. ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, दिख रहा है सबको, सी आंसर आएगा. ठीक है, यहाँ पर ऑल दो था नहीं, लेकिन एक ऐसा भी ऑप्शन कोई बना सकता था जहां पर वन के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है. ठीक है, तो आपको ये डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए कि वन को लेना है कि नहीं लेना है. ठीक है, बट अदरवाइज जब भी आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन आएगा क्वाड्रेटिक वाला, तो आपको इस अप्रोच का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. ठीक है, बहुत रिपीटेटिवली पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, हमारी कितनी मेथड्स हो गई, दो मेथड्स हो गई है ना, एक तो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई वाली और क्वाड्रेटिक का यूज करने वाली. ठीक है, और आगे देखते हैं चलो, तो थर्ड मेथड है कि हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस और फंक्शंस ऑलरेडी जानते हैं. ठीक है, उनकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रेंज होती है. ठीक है, तो अगर हम उनका यूज करके भी कुछ आंसर निकाल पा रहे हैं तो हम सोचेंगे उस डायरेक्शन में. ठीक है, तो साइन एक्स के बारे में पता है सबको, वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है,
y इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है। और cos x का भी ग्राफ याद है सबको, cos x का ग्राफ ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है। तो अब ये जो दोनों हमारे पास फंक्शंस हैं, और स्पेसिफिकली इनको ही हम लेके डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों फंक्शंस के लिए आप क्या बोलोगे कि ये, क्योंकि ग्राफ कहीं रुक ही नहीं रहा है, ग्राफ तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रही है। एस की वैल्यू मतलब क्या बोलते हैं उसको, डोमेन, ठीक है। तो इसका जो डोमेन है, इनफैक्ट दोनों का ही जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सारे के सारे रियल नंबर्स इसका डोमेन है, लेकिन इनके रेंज जो हम सबको याद है, है ना, फिर से याद दिला देता हूं कि वो होता है माइनस वन से लेके वन तक। आपका पूरा ग्राफ माइनस वन से लेके वन के बीच में ही ऊपर नीचे होता रहेगा, इसका मतलब इसका रेंज हो गया माइनस वन टू वन, ठीक है। तो अब इस तरह के कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं हमारे पास जिनका रेंज हमें याद होता है पहले से, ठीक है। ऐसा ही एक स्टैंडर्ड फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, इसके बारे में आपने पहले सुना हुआ होगा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा क्या करता है, रिटर्न में आंसर जीरो और वन के बीच में ही देता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर क्वेश्चन में इन्वॉल्व है तो आपको ये जो हम यहाँ पे कंसेप्ट सीख रहे हैं इस तरह का कुछ अप्लाई करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। रेंज इसीलिए स्टूडेंट्स ये जानो कि रेंज निकालने का कोई एक तरीका नहीं है, ठीक है, रेंज निकालने के मल्टीपल वेज है। तो क्वेश्चन को देख के आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा मैं मेथड यूज करूं ताकि मैं फाइनल आंसर तक पहुंच पाऊं। आ रही बात समझ में? तो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस फोर साइन एक्स प्लस थ्री, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा आपने सोचना चाहिए कि ये एक्चुअली अगर मैं साइन एक्स की जगह थोड़ी देर के लिए टी इमेजिन करूं, ठीक है, तो फिर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज निकालना हमने सीखा है पहले, ठीक है, इसके पहले टॉपिक वही था, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि टी जो है वो अल्टीमेटली तो साइन एक्स ही है, ठीक है। तो हम ऐसा स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसा समझते हैं, ठीक है, कि साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए टी डालते हैं, ठीक है। तो मेरा जो है वाई एक्चुअली है कितना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस फोर साइन एक्स प्लस थ्री है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि टी इज इक्वल टू साइन एक्स, तो मेरा वाई जो हो गया वो हो गया टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस थ्री, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो अब ये फैक्टराइज होते हुए दिख रहा है क्या किसी को, हो जाएगा फैक्टराइज ये बड़ी आसानी से, y इज इक्वल टू टी माइनस कितना बन रहा है बताओ, टी माइनस थ्री इंटू टी माइनस वन बन रहा है, ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ये सोचो कि इस तरह से फैक्टराइज करके एक्चुअली फायदा नहीं हो रहा क्योंकि राइट साइड में कुछ जीरो वगैरह है नहीं, ठीक है, इनइक्वालिटी बनी नहीं है, है ना। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस ऐसा सोचते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करके सोचते हैं कि इंस्टेड ऑफ फैक्टराइजिंग जैसा हमने अब पहले किया था, इंस्टेड ऐसा करते हैं कि इसको वो परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की अगर मैं कोशिश करूंगा तो ये दोनों टर्म्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, फिर उस केस में टी स्क्वायर माइनस फोर टी, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस फोर टी जो है वो किसके परफेक्ट स्क्वायर में आता है, तो टी माइनस टू के परफेक्ट स्क्वायर में आता है, ठीक है। अच्छा, टी माइनस टू का परफेक्ट स्क्वायर अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस फोर आएगा, आई बात समझ में, टी माइनस फोर टी प्लस फोर आएगा, लेकिन ऊपर तो थ्री था ना, तो थोड़ा कम था, तो ऐसा करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में ऐसा सोचते हैं, हमने प्लस वन कर लिया माइनस वन कर लिया, अब फोर है मेरे पास, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक जो है वो तो क्लब हो गया परफेक्ट स्क्वायर में, बचा कितना बाहर, माइनस वन बचा, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली मेथड का हम यूज करें जो हमने अलग से सीखी थी, ठीक है, क्वाड्रेटिक में। तो अब क्या बोल सकते हो बच्चों यहां पे? कि क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ऐसा कुछ सोचा था ना हमने वहां पे, ठीक है। तो माइनस वन से होना चाहिए, माइनस वन से बड़ा होना चाहिए, है ना, लेकिन अगर ऐसा सोच रहे हो तो थोड़ी सी गलती हो जाएगी क्योंकि हमने एक्चुअली क्वेश्चन जो था वो टी में थोड़ी था, क्वेश्चन तो साइन एक्स में था, ठीक है। तो अगर क्वाड्रेटिक के तरीके से सोचते हो, अगर ये वाकई क्वेश्चन ऐसा ही होता टी के फॉर्मेट में, तो इसका आंसर क्या आता, माइनस वन से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव ही क्वांटिटी होने वाली है, लीस्ट टू लीस्ट क्या हो सकती थी, जीरो हो सकती थी, ठीक है। तो माइनस वन तो बनता ही जीरो के केस में, अदरवाइज कुछ ना कुछ माइनस वन में ऐड हो गया होता तो फिर उससे बड़ी क्वांटिटी बन रही होती। अब प्रॉब्लम क्या हो गया है कि इस पर्टिकुलर केस में टी तो है नहीं ना, यहां पर तो क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस वन, एक्चुअली तो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब यहां देखो ध्यान से कि हम ये बोल रहे थे कि ये ब्रैकेट इस पॉइंट पे हम क्या बोल रहे थे, लीस्ट टू लीस्ट कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है, हम ऐसा बोल रहे थे, ठीक है। लेकिन
जैसे ही आप वहां sin x इमेजिन कर रहे हो तो ये सोचोगे उस ब्रैकेट को जीरो करने के लिए sin x को कितना बनना पड़ेगा, sin x को 2 बनना पड़ेगा, लेकिन वो तो कभी होता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये ब्रैकेट एक्चुअली जीरो तो हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही बनने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लीस्ट टू लीस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी बनाना चाह रहा हूं तो मैं क्या सोच सकता हूं कि इसको अंदर वाली क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड वाइज जितना छोटा कर सकता हूं कर देता हूं, ठीक है। तो ऐसा करता हूं, मैं इसके अंदर 1 डालता हूं, ठीक है। अगर साइन एक्स 1 है, ठीक है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको अंदर कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। अंदर क्या किया था मैंने, मैग्नीट्यूड लीस्ट टू लीस्ट बनाने की कोशिश की थी, ठीक है। अब इंस्टेड अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू -1 लेता हूं तो उस केस में आपके अंदर देखो क्या बनने वाला है, -1 -2, मतलब ये -3 होने वाला है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया उसका, 3 हो गया, बना वो -3 है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो गया, वो 3 हो गया। तो ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाला है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 -1 करेंगे तो कितना आएगा, y = 8 आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू जो मैक्स और मिनिमम यहां पे निकल के आ रही है वो है 0 से लेके 8 तक, ठीक है। आंसर दिख रहा है आप सब लोगों को, क्या आना चाहिए, बी आंसर करेक्ट है बिल्कुल, 0 से लेके 8 तक। तो यहां पर क्या किया है बच्चों, हमने कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक तो यूज किया ही है, लेकिन उसको ध्यान से यूज किया है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपना एक अलग ही रेंज होता है, वो यूज करना पड़ेगा हमें। आई वॉज समझ में, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है जो मिस आउट हो जाते हैं और इस वजह से क्वेश्चंस करने में बच्चों को रेंज के क्वेश्चंस करने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो बस फॉलो करते जाओ, ध्यान से समझते जाओ, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, यही तो मैंने ही पता था शायद मुझे, ठीक है। ये पता होता तो मैं पिछले वाले एग्जाम में शायद क्वेश्चन करके आता, ठीक है। तो थोड़ा सा और देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ये लो नया क्वेश्चन, fx = √2/(1+sin x)+(2/(1-sin x), ठीक है। दिखने में सिंपल है, ऐसा करते हैं इसको अंडर रूट लेके एलसीएम लेके सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर कोई क्वेश्चन स्टूडेंट ट्राई करना चाह रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, वहीं पर अटेम्प्ट कर सकते हो, ताकि आपको जस्ट उसके बाद सॉल्यूशन देखने को मिले, ठीक है। ओके, तो यहां पर फिर से मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन तो है कि इसका रेंज बताओ, ठीक है। fx = this, फाइंड रेंज, ठीक है, रेंज ही पढ़ रहे हैं हम, तो इसका रेंज निकाल के बताना है आपको। तो पहले तो मैं सोचता हूं कि फंक्शन समझ में तो आए मुझे, अगर फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया तो रेंज भी शायद बता दूंगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं इसलिए पहले, तो fx = √ के अंदर अगर आप इसमें एलसीएम लोगे तो ये पूरा पूरा जाएगा 2 के अंदर, तो कितना बन रहा है ये, 2 - 2 sin x, और अगर इधर से जाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये कितना बनेगा, 2 + 2 sin x, और नीचे कितना आने वाला है, 1 + sin x * 1 - sin x, 1 + sin x * 1 - sin x कितना हो जाएगा, 1 - sin²x, 1 - sin²x कितना होता है, cos²x, ये हो गया cos²x, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है क्या, हाँ ये अच्छी बड़ी वाली टर्म कैंसिल हो गई, ठीक है, -2 sin x + 2 sin x कैंसिल हो गया, आपके पास बचा कितना ऊपर, 4, अगर 4 बचा है आपके पास तो उसका अंडर रूट कितना आने वाला है, 2 आने वाला है, ठीक है। तो 2 लिख दिया मैंने, नीचे क्या है, cos²x, उसका अंडर रूट कितना आने वाला है, cos x नहीं आने वाला, अभी डिस्कस किया था ना हमने, ठीक है। अंडर रूट ऑफ एनी क्वांटिटी अगर आप लिख रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव बनना चाहिए, तो हमेशा पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या गारंटी करते हैं कि हम उसके ऊपर मॉड लगा लें, ठीक है। अंडर रूट ऑफ x² = mod x, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, काफी सारे क्वेश्चन इस वजह से गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ cos² लिखने की जरूरत पड़ रही थी तो मैं यहां पर उसको मॉड ऑफ cos x लिखूंगा बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखो और इसको अप्लाई करना है ना क्वेश्चन में ध्यान से। तो अब 2 / mod cos x हो गया, अब cos x कहां से कहां तक होता है, cos x होता है -1 से 1 - 1 से 1, अगर मैं इसके अंदर डालूंगा तो मॉड होके क्या बनेगा अल्टीमेटली, वो निगेटिव तो बनने से रहा क्योंकि मॉड हो गया ना उसका। तो अब अगर -1 से 1 वो बन सकता था तो मॉड होने के बाद तो वो कहां से कहां तक बन रहा है, बस 0 से लेके 1 तक ही बन रहा है, ठीक है। तो यहां से हम क्या सोचते हैं, देखो अब कि मॉड ऑफ cos x जो है वो तो 0 से लेके 1 तक ही हो सकता है, मतलब इसका डिनोमिनेटर तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो उस रिस्ट्रिक्शन के साथ अगर मैं डिनोमिनेटर यूज करूंगा तो फाइनल फ्रैक्शन कहां से कहां तक जाएगा, अगर मैंने वो पता कर लिया तो मुझे y मिल जाएगा कि नहीं, क्योंकि fx y तो होता है, ठीक है। तो y कहां से कहां तक जाएगा पता चल जाएगा, तो एक 1 वैल्यू डालना आसान है, है ना। अच्छा, डिनोमिनेटर में जितना बड़ा बनाऊंगा उतना छोटा आंसर आएगा,
डिनोमिनेटर जितना बड़ा बनाएंगे है ना, डिनोमिनेटर में अगर वन बनाऊंगा तो जो भी जनरेट होगा वो सबसे छोटा आंसर होगा, मिनिमा होगा, मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो वाई बिलोंग्स टू अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो फिर इसके अंदर वन डालता हूँ, वन डालूंगा तो कितना बनेगा टू, ठीक है, ये होगी हमारी मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम डालूंगा डिनोमिनेटर तो आपको मैक्सिमम क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। अब जीरो डालना है मुझे, अब जीरो एक्जैक्टली तो डाल नहीं सकता मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से जस्ट थोड़ा सा ही बड़ा इमेजिन करो, तो अगर बहुत ही छोटी क्वांटिटी है 0.00001 ये तो डाल सकता हूँ ना, एक्जैक्टली जीरो नहीं डाल सकता तो कोई बात नहीं, उस केस में क्या होगा, बहुत छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ी क्वांटिटी जनरेट होगी, ठीक है, तो उस केस में आपका आंसर आएगा इन्फिनिटी। तो टू से लेके इन्फिनिटी ये आपका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है, समझ के देखो इस क्वेश्चन को। चलो आगे बढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, जो हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के उनका हमने यूज़ किया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान से सुनो कि हम मोनोटोनोसिटी का यूज़ करके कैसे रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आता होगा, ठीक है, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ट्वेल्थ के बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, तो ट्वेल्थ के बच्चों ने फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा कैलकुलस पढ़ा हुआ होता है, ठीक है, मैथ्स का कंपैरिजन, मैथ्स वाले कम पढ़ाते हैं, फिजिक्स वाले ज़्यादा पढ़ा के रखते हैं पहले से, ठीक है। तो आई होप आपको सिंपल फंक्शंस के एटलीस्ट डिफरेंशिएशन करते आते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये मेथड डिस्कस कर रहे हैं, और डेफिनेटली सब साथ में आ जाएंगे मेथड्स तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यूज़ ऑफ मोनोटोनोसिटी, ठीक है, तो मोनोटोनोसिटी होता क्या है उसको पहले समझना पड़ेगा हमें। तो दो टाइप के ग्राफ देखो आपको मिल सकते हैं, इंक्रीजिंग ग्राफ जो इस तरह से ऊपर जाने वाला ग्राफ होगा, या फिर डिक्रीजिंग ग्राफ जो नीचे आने वाला ग्राफ होगा, ठीक है। ऐसे ग्राफ अभी हमने बनाए थे लेक्चर में जब हम लॉग का ग्राफ डिस्कस कर रहे थे तब, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ग्राफ में हम क्या सोचते हैं कि अगर बाय चांस मुझे कुछ करके ये पता चल गया कि ये जो फंक्शन की रेंज मुझसे पूछ रहा है वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, फिर से सुनो इस बात को, कोई मुझे पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का रेंज निकाल के बताओ, मैंने कुछ तो टेस्ट किया और मुझे पता चल गया कि ये तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहीं कम होता ही नहीं है, ये ऊपर ही ऊपर जाता है, ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगा कि ये देख लेता हूं कि मैं इनपुट कहां से कहां तक दे सकता हूं। अगर लेट अस से मैं इनपुट x1 से लेके x2 तक ही दे सकता हूं और मुझे पता पड़ गया कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मेरा जो रेंज होगा, रेंज क्या होता है, y की वैल्यूज होती हैं, तो मेरा जो रेंज होगा वो भी मुझे पता चल जाएगा ना, क्योंकि सबसे कम वैल्यू डाल के मुझे सबसे कम आउटपुट मिल जाएगा और सबसे ज्यादा वैल्यू डाल के मुझे सबसे ज्यादा आउटपुट मिल जाएगा। आई बात समझ में? अगर हमें समहाउ ये पता है कि ये गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो हम क्या सोचेंगे कि ये स्टडी कर लेते हैं कि इनपुट लीस्ट क्या हो सकता है और इनपुट मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम इनपुट पे मिनिमम आउटपुट, ठीक है। लेकिन अगर आपने टेस्ट किया और आपको लगा कि नहीं ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, टेस्ट कैसे करते हो बाद की बात है, लेकिन आपको पता चल गया चलो कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो वहां पे आप क्या नोटिस करोगे कि अगर आपको ये दिख रहा है कि मेरे पास इनपुट तो x1 से लेके x2 तक ही हो सकता है, तो x1 अगर छोटा है तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मिलेगी आपको, उल्टा हो गया बस, और अगर x2 मैक्सिमम इनपुट पॉसिबल है उस क्वेश्चन के लिए तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी y2, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा था, y1 से लेके y2 आपकी रेंज आ रही थी, यहां पर y2 से लेके y1 आपकी रेंज हो जाएगी, बस ऑर्डर आगे पीछे हो गया है, ठीक है। लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का ये फायदा है पता करना कि हम बस एंड पॉइंट्स पे वैल्यू देख कर भी आंसर रेंज का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां पे फंक्शन जो होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, जो रेड लाइन दिख रही है वो फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, वो कैसी है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ये पता करने की कोशिश करेंगे कि अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन पता कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है हमारे पास में कि अगर आप ये देखोगे कि अगर इंक्रीजिंग ग्राफ है, रेड वाला ग्राफ अगर इंक्रीजिंग है, तो आप किसी भी पॉइंट पर उसके ऊपर टेंजेंट बनाओ, वो टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, टेंजेंट का स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस तरह की टेंजेंट इंक्रीजिंग फंक्शन में हमेशा बनेगी, कहीं पर भी सोचो बनाने की, है ना, कहीं पर भी सोचोगे बनाने की, तो आपके पास जो थीटा बनेगा वो एक्यूट एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल होने की वजह से टैन थीटा पॉजिटिव आएगा और टैन थीटा हमारा स्लोप होता है, ठीक है। तो
अब टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव, तो स्लोप मतलब होता क्या है, डेरिवेटिव होता है, ठीक है, टेन थीटा मतलब स्लोप होता है और स्लोप मतलब dy बाई dx होता है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको dy बाई dx निकालते आना चाहिए, तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। एंड आई होप कि आपको आता ही है, ठीक है। और अगर डिक्रीजिंग है तो देखो उस केस में कैसा ग्राफ बनते हुए दिखेगा आपको, कि अगर डिक्रीजिंग ग्राफ है तो टेंजेंट का जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ में, वो हमेशा कहीं पर भी ड्रॉ करके देखो, ये तो एक ही टेंजेंट बनी है, आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो हमेशा कैसा बनते हुए दिखेगा आपको, ऑब्ट्यूस एंगल बनते हुए दिखेगा। मतलब इस केस में टेंजेंट का स्लोप हमेशा ही कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। जबकि ग्राफ आपका अगर ऊपर नीचे होने वाला ग्राफ होता है, ठीक है, तो उस केस में कहीं तो आपको टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव मिलता है और कहीं तो आपको टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव मिलता है, ठीक है। तो इस तरह के ग्राफ की हम बात कर ही नहीं रहे हैं, हम कैसे फंक्शंस की बात कर रहे हैं, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग की, ठीक है। इसका मतलब डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव या फिर डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव, हम उस पर कंसंट्रेट करके क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको अप्लाई करके एक क्वेश्चन में, सिंपल से क्वेश्चन में। तो यहाँ पर एफ एक्स जो दिया हुआ है वो क्या है, लॉग ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब लॉग के नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर वैसे थोड़ा क्लियर करना चाहिए था कि बेस में ई है या फिर 10 है, जो भी आप मानना चाह रहे हो, ठीक है। तो इस तरह का आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि लॉग पे फोकस करते हैं, ठीक है। लॉग एक ऐसा फंक्शन है, अगर बेस उसका ई है तो उस केस पे वो ग्राफ कैसा ड्रॉ करवाता है हमसे, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है लॉग का, ठीक है। ये कब होता है, जब आप लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे बेस ए में और ए ग्रेटर देन 1 होगा, तो बेस अगर ई है तो ई का वैल्यू तो 1 से बड़ा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बनने वाला है। तो अगर मुझे पता है कि लॉग अपने आप में इंक्रीजिंग है, तो मैं अब कुछ ज्यादा नहीं सोचूंगा, मैं सोचता हूं कि उसको जो इनपुट मिल रहा है वो मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है और वो मिनिमम टू मिनिमम कितना हो सकता है, बस इतना पता कर लिया तो आई वुड बी एबल टू गेट माई आंसर, ठीक है। तो अब अंदर जो लिखा हुआ है उस पर फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। अभी अप्रोच बिल्कुल ही अलग हो गया, हमने अभी तक इस अप्रोच से कोई क्वेश्चन नहीं किया था, ठीक है। तो समझो इस बात को, हमारे पास अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या है, 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके रेंज बता सकते हो आप मुझे, इसका रेंज निकालने का तरीका हमने सीखा था क्या, माइनस डी बाई 4a भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट भी कर सकते हो। चलो परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड कर लेते हैं, 3 प्लस 3 माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसा कुछ है, तो 3 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा ये, है ना, ये तो सबको दिख रहा है, एक्स माइनस 2x प्लस 1 होना चाहिए था, लेकिन प्लस 1 है नहीं तो माइनस 1 भी यहाँ पे करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ओपन करके देखो, प्लस 1 जो बनने वाला है और माइनस 1 जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ओरिजिनल एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस बन के कितना हो रहा है, 4 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसा कुछ तो बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 4, अब ये क्वांटिटी अपने आप में पॉजिटिव है और आगे लगा हुआ है माइनस का साइन, इसका मतलब 4 में से कुछ ना कुछ तो सब्ट्रैक्ट ही होने वाला है, ठीक है, 4 में से कुछ ना कुछ तो सब्ट्रैक्ट ही होने वाला है। तो मैक्स टू मैक्स इनपुट कितना हो सकता है, किसके इनपुट की बात कर रहे हैं हम, लॉग के इनपुट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनपुट ऑफ लॉग मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। और इनपुट लीस्ट कितना हो सकता है, इनपुट मिनिमम कितना हो सकता है, तो मिनिमम तो कितना भी हो सकता है क्योंकि आप इसको कितना भी बड़ा कर सकते हो। तो ये अगर इन्फिनिटी हो गया तो 4 माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो अब इस बात को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं कि इनपुट एक्चुअली किसके हैं, तो ये लॉग के इनपुट है, ठीक है, ln के इनपुट्स हैं ये। ln के इनपुट में कभी भी आपने निगेटिव क्वांटिटी देखी है क्या, नहीं देखी, ठीक है। इसका मतलब यहां थोड़ा सा हमें और सोचना चाहिए। तो मैक्सिमम तो 4 चलेगा, लेकिन मिनिमम से मिनिमम लॉग ही मना कर देगा, माइनस इनफिनिटी तक लॉग जाने नहीं देगा उसको, ठीक है। तो लॉग कहां तक जाने की परमिशन देगा, ज्यादा से ज्यादा आप 0 तक को टच कर सकते हो, ठीक है। तो इनपुट का जो रेंज है, इनपुट का आपका जो रेंज है वो हो गया 0 से लेके 4 तक, एग्जैक्टली 0 अलाउड नहीं है लेकिन एग्जैक्टली 4 बन सकता है तो वो ले भी लेगा, ठीक है। तो अगर ये आपका इनपुट का रेंज है लॉग के अंदर, ठीक है, आप कहां तक जा सकते हो, ऑलमोस्ट 0 तक जा सकते हो और यहां पर 4 तक जा सकते हो, तो आपका ग्राफ कहां से कहां तक बनेगा, इतना ही ग्राफ बनेगा फिर आपका, क्योंकि इनपुट ही आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो अब आउटपुट कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 डालने पे जो भी आंसर आ रहा है वहां तक, तो 4 डालेंगे अगर लॉग के अंदर तो कितना आंसर आएगा, ln 4 आंसर आएगा। ln 4 क्या होता है,
टू बाहर निकालो उसके अंदर से, टू स्क्वायर लिखे तो टू एल एन टू, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आ रही बात समझ में सबको? ठीक है, तो यहाँ पे हमने मोनोटोनोसिटी का यूज किया है, हमने यहाँ पे लॉग को ज्यादा वेटेज नहीं दिया क्योंकि हमें स्टार्टिंग में पता चल गया था कि वो मोनोटोनिक फंक्शन है, तो पूरा कैलकुलेशन हमारा एक्चुअली इसके साथ चला कि अंदर क्या लिखा हुआ है। अंदर जो लिखा हुआ था उसकी रेंज आ गई 0 से लेके 4 तक, तो जैसे ही मैंने वो यूज कर लिया 0 से लेके 4 इनपुट का रेंज, मेरे पास आउटपुट का रेंज आ गया। ठीक है, ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसको फॉलो करो, है ना। यहाँ पर हमने डेरिवेटिव का ज़्यादा डायरेक्टली यूज़ नहीं किया क्योंकि हमें ऑलरेडी ग्राफ पता था। अगर ये कोई अननोन फंक्शन होता तो आपको डिफरेंशिएशन करके चेक करना पड़ता कि ये ग्रेटर देन जीरो आया डेरिवेटिव का आंसर या फिर लेस देन जीरो आया, जो हमने इसके पहले ग्राफिकली डिस्कस किया था। ठीक है, लॉग क्योंकि मैंने नोन फंक्शन लिया था तो डेरिवेटिव वाला स्टेप यहाँ पे करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, बट आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हम क्या सोचते हैं कि अच्छा, हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन लिखा हुआ है ये पर्टिकुलर एक्स के लिए वैलिड है। ठीक है, तो वो एक्स यूज़ करके देख लो क्या क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो वन ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि अच्छा, ये पी पता है सबको, एन पी आर एन सी आर जो हमने वहाँ पर यूज़ किए थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो ये वो वाला फंक्शन है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ किसी ने लिखा हुआ है तो एक्स हम सारे के सारे तो यूज़ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी इसके ऊपर, क्योंकि पी जो फंक्शन है वो बहुत ही कम टाइप के नंबर्स एक्सेप्ट करता है। ठीक है, क्या बोलता है वो कि ऊपर जो लिखा हुआ है एन, वो पहली बात तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, एन ने इंटीजर भी होना चाहिए। ठीक है, और आर जो है वो कैसा होता है, यहाँ इक्वल टू जीरो भी चलता है, लेकिन ये भी कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। सॉरी, तो यहां पर आप क्या सोचोगे कि क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम नंबर्स आने वाले हैं तो उन सारे नंबर्स को मैं फाइंड कर लेता हूं, वो क्या हो गया, सिलेक्टेड डोमेन हो गई मेरी, और उनको यूज करके आंसर निकाल लेता हूं, जो आंसर आया वो मेरी रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कुछ ट्राई करो इसके अंदर कि 7-x n की जगह लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इसका मतलब x लेस देन 7 होना चाहिए। x लेस देन 7 तो है, लेकिन सारे आपके क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स ही बोल सकते हो आप, और कुछ नहीं हो सकते। अच्छा, यहाँ पे एक और रिस्ट्रिक्शन होता है, वो भी लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, वो क्या है कि n की वैल्यू हमेशा r से बड़ी या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो तीन कंडीशन है जो हमें यूज़ करना है। ये पहली कंडीशन से आंसर आए, दूसरी कंडीशन लिख रहा हूँ मैं कि x माइनस 3 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए। ये मेरी सेकंड कंडीशन आ गई। और थर्ड कंडीशन क्या है कि ये आपस में कैसे रिलेटेड है, तो 7 माइनस एक्स जो है वो बड़ा होना चाहिए या इक्वल टू भी हो सकता है एक्स माइनस 3 के। ठीक है, तो इधर जाएगा तो ये 2x बनेगा, ये यहां पे आके 10 बनेगा, डिवाइड करेंगे 5 बनेगा, तो x लेस देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए। ठीक है, ये तीन कंडीशंस आ गए हमारे पास। तो इन तीनों कंडीशन पे अगर आप काम करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x बिलोंग्स टू भी लिखने की जरूरत नहीं, x इक्वल टू लिख लेते हैं डायरेक्टली क्योंकि कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही आने वाली, तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। ये बोल रहा है 7 से कम होना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है कि 5 से कम होना चाहिए, तो दोनों की बात माना है, तो 5 से कम वाली वैल्यूज लेंगे, तो 3, 4 और 5 आप यहां पर x यूज करो, देखो क्या क्या आउटपुट बन रहे हैं, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, रेंज के आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेथड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो। ठीक है, इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ फिर से देखो क्या है, साइन को कुछ तो मिल रहा है, अंडररूट वाली क्वांटिटी मिल रही है। ठीक है, अब वो अंडररूट के अंदर क्योंकि लिखा हुआ है तो कुछ स्पेसिफिक ही क्वांटिटी मिलेगी उसको। ठीक है, अच्छा तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इसके अंदर से, तो कुछ ना कुछ तो कम होते जाएगा वो, मतलब पाई स्क्वायर बाय 16 से कुछ ना कुछ तो कम ही होने वाला है। तो अगर मैक्स टू मैक्स सोचूं कि मैं साइन को इनपुट कितना दे सकता हूं, है ना, इनपुट जो साइन को मिलेगा मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है साइन के लिए इनपुट, अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाय 16, ये बात आ रही समझ में, क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूं तो मैंने कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल साइन कैन गेट। ठीक है, तो मैंने कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया तो अंडर रूट लेके हो गया पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 इनपुट मिल सकता है इसको। और इनपुट अगर मिनिमम करना चाहूं मैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं x कुछ भी डाल सकता हूँ, मुझे अंडररूट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अंडररूट क्योंकि है, एग्जिस्ट करता है, तो मैं मैक्स टू मैक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पाई स्क्वायर बाय 16 यूज़ कर सकता हूँ जब 0 बनेगा। अगर उससे बड़ी वैल्यू यूज़ कर ली तो फिर अंडररूट को निगेटिव मिलेगा और वही मना कर देगा।
ठीक है. तो यहां पर क्या बोल सकते हैं हम कि मिनिमम जो है साइन को जीरो मिलेगा. तो अगर जीरो से पाई बाय फोर ही साइन जा रहा है तो फिर तो हमें पता है ना कि आपका आंसर कहां से कहां तक आएगा. ठीक है, साइन का ग्राफ अगर आप पूरा ड्रॉ ही नहीं कर पा रहे हो, आप बस जीरो से पाई बाय फोर तक ही ड्रॉ कर पा रहे हो, तो आपका रेंज आ गया जीरो से लेके वन बाय रूट टू तक. आई वॉज समझ में? ठीक है, ये इस तरह से हम डोमेन स्टडी करते हैं और रेंज का आंसर बताते हैं. ठीक है, तो ऑल दो मुझे ये भी डिस्कस करना था यूज ऑफ ग्राफ्स. तो ऐसा करते हैं कि हम ग्राफिकल मेथड नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं. ठीक है, क्वेश्चंस भी हम अच्छे से करेंगे ग्राफिकल मेथड के ऊपर. तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक होमवर्क क्वेश्चन तो होना ही चाहिए. ठीक है, तो ये रहा आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन. यहाँ पर क्या है, फिर से समथिंग अपॉन समथिंग लिखा हुआ है, लेकिन इस बार कॉस लिखा हुआ है. ठीक है, एक्स नहीं है. ठीक है, तो ट्राई टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में इससे स्टार्ट करेंगे. ठीक है, और ग्राफिकल मेथड भी कंटिन्यू करके देखेंगे. ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का मैं चाह रहा हूँ कि आप सब सॉल्यूशन लेकर आओ. ठीक है, ताकि हमें डिस्कशन करने में अच्छा लगे. ठीक है, तो डू शेयर, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू वोंट मिस एनी अपडेट्स अबाउट द क्लासेस. एंड ऑल्सो वी विल प्रोवाइड यू द PDF एंड द नोट्स that we have used in this particular lecture, but I would advise all the students to create their own notes while watching these videos so that you would have your own continuity with the lectures. Okay, and nothing more, but yes, we also have a Telegram group where a lot of students and teachers are connected with each other, where you can solve your queries and you can solve your doubts, you can get some guidance from us. Okay, so Telegram app WhatsApp jaisa hi hota hai. ठीक है, तो उसको डाउनलोड करो. ठीक है, और क्या करो, आपने ब्राउज़र में जाके, आपके मोबाइल फ़ोन में कुछ तो ब्राउज़र होगा, है ना, क्रोम होगा या फिर सफारी होगा, जो भी ब्राउज़र है आपके पास, उस ब्राउज़र में जाके ये एक URL टाइप करो, तो आपको उस ग्रुप में ऐड होने की परमिशन मिलेगी. ठीक है, द URL इज़ tinyurl.com/JEELiveChat. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट. आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा. ठीक है, इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे, रेगुलरली आपको हेल्प करते रहेंगे. ठीक है, ओके, बाय बाय.